हेलो दोस्तों, सूरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल के नए अपडेट के बारे में, जिसने लाखों करोड़ों यूजर पर इम्पैक्ट डाल दिया है। इससे क्या हो रहा है कि गूगल में जो ऑर्गेनिक सर्च वाली जो वेबसाइट आती थी और उसके नीचे जो स्टार रेटिंग होती थी, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। अगर आप सूरज कंप्यूटर्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। गूगल में जो स्टार रेटिंग आती है वो दो तरीके से आती है। पहला तरीका क्या होता है, जैसे ही आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो जो सर्च रिजल्ट आते हैं, सबसे पहले गूगल के ऐड आते हैं, उसके बाद में आपको देखने को मिलता है गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग होती है वो आपको देखने को मिलती है, और उसके बाद में आपका आता है ऑर्गेनिक सर्च। तो ऑर्गेनिक सर्च में जो स्टार रेटिंग हम लोगों ने कस्टमर जो रेटिंग होती थी जो वो दी हुई थी, गूगल ने उसे अब कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लिस्टिंग कैसे रिमूव हुई है और अब आगे हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कि हमारी लिस्टिंग जो हमारी रेटिंग जो रिमूव हो गई है उससे बचने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर पर, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल में पहले ये रेटिंग कैसे आती थी और अब ये कैसे रिमूव हुई है। अपडेट आया है उसमें गूगल ने जो स्टार रेटिंग होती थी ऑर्गेनिक सर्च वाली वो बिल्कुल रिमूव कर दी है, और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पहले ये रेटिंग कैसे आती थी और अब कैसे ये रेटिंग आती है। तो गूगल में अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ लैपटॉप रिपेयर इन गुड़गांव, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहले क्या आता है गूगल माई बिजनेस, जिसमें कि ये स्टार रेटिंग आती थी। उसके बाद में क्या होता था, आप यहाँ पर देखिए, जैसे justdial.com, इसके नीचे भी कुछ कस्टमर की रेटिंग आती थी, और ये अर्बन क्लैप, इसके नीचे कुछ रेटिंग आती थी कंप्यूटरों। तो जो ये स्टार रेटिंग आती थी गूगल ने अब उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। अगर गूगल के साथ में आप कुछ भी फ्रॉड करते हो तो गूगल एक न एक दिन आपको पकड़ ही लेता है। अगर जैसे हम लोग स्टार रेटिंग देते थे, वो किस तरह से देते थे, या तो किसी प्लगइन के थ्रू स्टार रेटिंग दिलाते थे या schema.org के थ्रू हम लोग स्टार रेटिंग दिलाते थे। तो क्या होता था कि कुछ वेबसाइट्स ने इसमें फ्रॉड करना शुरू कर दिया था, जैसे कि अगर schema.org के थ्रू आप रेटिंग देते थे तो वो रेटिंग आप अपने मन से 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे करके रेटिंग दे रहे थे। तो गूगल ने इस फ्रॉड को पकड़ा और जितनी भी इस तरह की रेटिंग वेबसाइट पे ऑर्गेनिक सर्च में जो वेबसाइट के नीचे आती थी सबको डिलीट कर दिया है। तो अब जो schema.org और ये प्लगइन्स के थ्रू जो भी आप रेटिंग देते थे, अब वो गूगल पर डिस्प्ले नहीं हो। पहले जो सूरज कंप्यूटर्स का ये आप देखते हो लैपटॉप रिपेयर इन गुड़गांव में, अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे पहले कस्टमर रेटिंग करके एक आती थी, गूगल माई बिजनेस की तरह की रेटिंग आती थी। तो गूगल ने सबसे पहले वो वाली रेटिंग को रिमूव किया था। उसके बाद गूगल ने क्या किया, धीरे धीरे करके, मैं देख रहा था कि पहले हमारी रेटिंग डिलीट हो गई, लेकिन जो हमारे कंपटीटर थे उनकी रेटिंग डिलीट नहीं हुई थी। इससे मैं दुखी हो जाता हूँ। जैसे आप लोग समझते होंगे कि इंडियंस की जो नेचर होती है, अगर उनके घर की लाइट चली जाती है तो वो पहले क्या करते हैं कि पड़ोसी के घर की लाइट देखते हैं। अगर पड़ोसी के घर की लाइट चली जाती तो वो शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले उन्होंने छोटी छोटी वेबसाइट्स जो थी उनकी रेटिंग को हटा दिया, और अब आज जो गूगल का नया अपडेट आया उसमें सारी वेबसाइट्स की रेटिंग को उन्होंने हटा दिया है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट की रेटिंग हट गई है तो अब आप क्या करना चाहिए आपको। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आप लोगों को ये है कि अगर आपकी वेबसाइट से रेटिंग हट गई है, तो आप अगर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो और उसके नीचे जो रेटिंग आती है आप उसको बिल्कुल भी रिमूव मत करो, क्योंकि ये एक यूजर इंटरफेस के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर यूजर आपको रेटिंग देना चाह रहा है तो उसको देने दीजिए, इसको बिल्कुल भी बंद मत कीजिए।